दोस्तों वैसे तो सुनने में 5 मिनट बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन अगर 5 मिनट आप अपना रोज देंगे तो ये आपके शरीर को बदलने में मदद करेगा। अगर वजन कम है, वजन बढ़ाने में मदद करेगा, आपकी बॉडी बनाने में मदद करेगा। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि आप बहुत समय से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अगर तब भी आपके बॉडी में चेंजेस नहीं आए हैं तो ये वीडियो में आपको जो जो चीजें बताई जाएंगी, जिस तरीके का वर्कआउट बताया जाएगा, ये वर्कआउट में आपको कहीं भी किसी भी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर पे ही केवल 5 मिनट दोगे ना तो आपका शरीर पूरा बदल जाएगा। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। देखो आज जिस वर्कआउट के बारे में हम बात करेंगे, ये वर्कआउट करता क्या है, ये आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है, उसी के साथ में आपका स्टैमिना बढ़ाता है। देखो एक बात को समझो, अगर आपकी बॉडी में स्टैमिना रहेगा तो वर्कआउट करने में आप लोग ज्यादा से ज्यादा दम लगा पाओगे, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा मसल्स ग्रोथ हो पाएगी। तो स्टैमिना बढ़ाना जरूरी है, और आज का जो ये वर्कआउट है, ये वर्कआउट आपका स्टैमिना बढ़ाएगा, आपकी मसल्स ग्रोथ में मदद करेगा। जितने भी लोग जिनका वजन कम है, वजन बढ़ाना चाहते हो, तो ये बहुत बेनिफिशियल वर्कआउट है। 5 मिनट करोगे, आपका वजन भी समय के साथ में बढ़ने लगेगा। तो क्या वर्कआउट है वो? सबसे पहले अपने वर्कआउट पे आएंगे, जिसे हम बोलते हैं होल्ड पुशअप। आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीके के पुशअप्स मैंने बताए हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, होल्ड पुशअप एक ऐसा पुशअप होता है जिसको लगाने से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका स्टैमिना बढ़ता है। क्या करना होता है इस पुशअप में? इस पुशअप में हमें पुशअप वाली पोजीशन में आने के बाद में इस तरीके से अपनी बॉडी को होल्ड करना होता है, जितने देर तक होल्ड कर पाओ। अगर आप लोग 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है। तो कोशिश यह करना कि ज्यादा से ज्यादा देर तक इस पुशअप को होल्ड कर पाओ, और इसे करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, चेस्ट मसल्स बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा चेस्ट का, आपकी बॉडी देखने में अच्छी लगने लगेगी। नेक्स्ट अपने वर्कआउट की बात करेंगे, जिसे हम बोलेंगे होल्ड पुलअप। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग पुलअप्स लगा लेते होंगे। जो पुलअप्स लगा लेते हैं वो क्या करना, पहले 10 से 15 पुलअप लगा लेना, उसके बाद में होल्ड पुलअप लगाना। होल्ड पुलअप में हम क्या करते हैं, इस तरीके से बार के ऊपर चढ़ जाते हैं, इस तरीके से अपने शरीर को ऊपर कर लेते हैं और फिर धीरे 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 नीचे आते हैं, इसे हम बोलते हैं होल्ड पुलअप। होल्ड करते हुए अपनी बॉडी को और पुलअप की पोजीशन में हम लोग इस तरीके से पुलअप को करते हैं। इससे होता क्या है, बैक मसल्स काफी तेजी से स्ट्रांग बनती है। आप सभी को मैं बता दूं, चौड़ी बैक होना बहुत जरूरी है। बैक चौड़ी होगी तभी आपकी बॉडी देखने में अच्छी लगेगी। इस तरीके से पुलअप लगाना, 10-15 पुलअप लगा लेना, जो लोग पुलअप लगा लेते हैं। जो लोग पुलअप नहीं लगा पाते हैं वो लोग क्या करना, वो लोग लगाना इस तरीके से इन्वर्टेड रो, बेड के नीचे किसी टेबल के नीचे जाके इस तरीके से इन्वर्टेड रो लगाना, बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, साथ में आपके बाइसेप मसल्स को भी ट्रेन करेगा। तो मतलब अपने 5 मिनट के वर्कआउट में हम बैक के साथ में अपने बाइसेप मसल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये वर्कआउट जितनी देर तक लगा पाना उतनी देर तक लगाने की कोशिश करना, आपकी बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है। देख लो, अगर आपको बॉडी बनानी है तो ये वर्कआउट करना मस्ट है, जरूरी है। क्या करेंगे इस वर्कआउट में, इसे बोलते हैं वेटेड वॉक। अपने हाथों में किसी भी भारी चीज को ले लेंगे और उस भारी चीज को लेके हम वॉक करेंगे, हम चलेंगे, ये इसे बोलते हैं वेटेड वॉक। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो ना केवल आपकी लेग्स मसल्स, आपके कोर मसल्स, बल्कि आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और खास तौर पे आपके स्टैमिना को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके से इसे परफॉर्म करते हैं, जितनी देर वॉकिंग कर पाओगे उतना बेनिफिट है। 5 मिनट के अंदर हमें समेटना है सारे वर्कआउट को, तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जो स्पीड है वॉकिंग की उसको बढ़ा देना और वजन ज्यादा से ज्यादा करते रहना। तो इससे होगा क्या, मसल्स ग्रोथ तेजी से आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करेंगे, जो कि होता है फॉरवर्ड लंजेस। लेग्स मसल्स का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, बहुत बार बता चुका हूं, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेग्स का वर्कआउट। इस तरीके से परफॉर्म करेंगे फॉरवर्ड लंजेस को, अपने हाथों में चाहो तो वजन भी ले सकते हो, जितना वजन लोगे और उस हिसाब से फॉरवर्ड लंजेस करते रहोगे, आपकी लेग्स मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ही वर्कआउट खत्म करो, एक बहुत प्रो टिप आपको देता हूं, अगर वजन बढ़ाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, वर्कआउट खत्म करने के तुरंत बाद में सभी लोग प्रोटीन लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन लोगे तो आप लोग देखोगे कि आपकी मसल्स ग्रोथ
और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। क्या ले सकते हो आप लोग बनाना के साथ में एग ले सकते हो, बनाना के साथ में जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन की खली ले सकते हैं। तो इससे होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ लेने से हमारी मसल्स ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। उसी के साथ में अगर आप लोग इंस्टेंट वेदा के अश्वगंधा का भी इस्तेमाल करते हो तो ये समझ लो और भी अच्छी बात हो गई। देखो जो भी अश्वगंधा होता है ये नेचुरल मसल बिल्डर बोला जाता है इसको, जो भी देसी पहलवान होते हैं वो सभी लोग इस तरह के अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्टेंट वेदा का अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट से बना है, मतलब जो जड़ें होती हैं उनके एक्सट्रैक्ट से बना है, तो ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है। उसी के साथ में ये सोए फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और इसमें बहुत सारे अलग अलग हर्ब्स आपको मिलेंगे जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी हार्मोन होते हैं उनको बैलेंस करने में मदद करता है। जब बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो आप जितना वर्कआउट जो करोगे उसी हिसाब से आपकी मसल्स ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी। इंस्टेंट वेदा का अश्वगंधा कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आप लोग जान लो। जब भी आप लोग सुबह का नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद में आप लोग इसके एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद में जब आप लोग वर्कआउट अपना खत्म कर रहे हो उसके बाद में जो आप लोगों ने पोस्ट वर्कआउट मील लिया है, जो मैंने अभी आपको बताया, बनाना एग्स ले सकते हो, बनाना के साथ में सोयाबीन ले सकते हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का फूड उसके साथ में प्रोटीन का फूड लेते हो, उसके तुरंत बाद में जैसे ही पोस्ट वर्कआउट आपने खत्म किया मील उसके बाद में आप लोग एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि समय के साथ में आपकी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ेंगे और जब हार्मोन्स बढ़ेंगे तो बॉडी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हार्मोन्स ही एक ऐसी चीज है जो हमारी मसल्स ग्रोथ को बिल्ड करने में मदद करता है। इंस्टेंट वेदा के अश्वगंधा का मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाके उसे चेकआउट जरूर करना। मसल्स ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए अश्वगंधा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो वर्कआउट आपको मैंने बताया ये किस तरीके से करना है और किस किस दिन करना है। देखिए वर्कआउट करने का सबसे पहला रूल ये है कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग इस वर्कआउट को अल्टरनेट डेज करेंगे। अल्टरनेट डेज का मतलब हो गया आपने एक दिन वर्कआउट किया, एक दिन नहीं किया, फिर अगले दिन किया, फिर अगले दिन नहीं किया, इस तरीके से। अगर आप लोग बहुत दिन से कुछ दिन से वर्कआउट कर रहे हैं तो आप लोग इसे रोज करेंगे, केवल आप लोग संडे का एक दिन का ब्रेक देंगे। और एक सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखना कि ये जो वर्कआउट है ये वर्कआउट 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वर्कआउट सुबह भी करना है और शाम को करना है, मतलब 2 टाइम अगर आप लोग ये वर्कआउट करोगे तो ये आपकी बॉडी पे ज्यादा असर करेगा, मसल्स ग्रोथ आपकी तेजी से बढ़ा देगा। अगर आप लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रहे होंगे, दोनों ही वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो उस वीडियो पे यहीं से क्लिक करके और डायरेक्ट आप लोग उस वीडियो पे पहुंच जाओगे।